हम भी तो इंसान है, हमें भी अपने राइट्स चाहिए। सबसे पहले अपना देश के लिए देखना चाहता है, अपना देश का फायदा के लिए देखना चाहता है। मैं आया हूँ, 3 महीना हुआ है, मेरे एक चाची के साथ मैं आया हूँ और बर्मा में मिलिट्री जुलूम कर रहा है और उससे जान बचा के निकला हूँ। मेरे जो रिलेटिव है बर्मा में सीडीएम जो है प्रोटेस्ट जहाँ पे बर्मा का मिलिट्री खिलाफ कर रहा है वहाँ पर था, तो जान बचा के देश से निकला हूँ। यहाँ जब आने चाह रहा हूँ मिलिट्री आने नहीं दे रहे हैं, अगर इंडिया पहुँचता भी हूँ अच्छा ही समझते हैं, हम लोगों को वहाँ पे खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके जान बचा के यहाँ निकला हूँ, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप से मैं कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, माँ बाप कहाँ है मुझे नहीं पता, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं है। यहाँ पे आया हूँ, 3 महीने हुआ है। कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट भी आए हैं, कुछ लोग भी बिना शादीशुदा भी लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे घर वगैरह कुछ भी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं अभी के लिए कि हमें यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए और वहाँ सब कुछ ठीक, मतलब बोले फोर्स करे ताकि हमें अपने घर वापस मिले और वापस जाए। यही तो हमारा घर नहीं है ना, तो हमें कोई भी ना तो भाषा आता है ना कुछ, तो हमारे को यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही है आते आते। अभी कुछ लोगों का अभी 1-2 महीने हुआ है, कुछ लोगों का 3 दिन हुआ है, तो हम लोग कैंप में सारे मिलकर ऐसे ही रह रहे हैं। भारत सरकार प्लीज़ आप मिलिट्री को ना सपोर्ट मत करिए, कोविड वैक्सीन वगैरह भी ना दे, मतलब हमारे को आकर ना जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें प्लीज़ प्रोटेस्ट कर लीजिए हमारे लिए, हमारी बातें आप तक पहुँचाए। मोदी जी से तो मैं यही कहूंगी, जब मीटिंग हुआ था तो इंडिया रशिया और चाइना सबने इसके लिए कुछ नहीं किया था, आवाज़ नहीं उठाया था, तो मैं चाहती हूँ आप आवाज़ उठाइए ना, आपका खुद का डेमोक्रेसी चल रहा है तो हमारा क्यों नहीं, हमारा तो इतना पुराना रिश्ता है और आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। गन बेचना भी तो बंद करिए आप उन्हें, और आप उनसे बात करना भी छोड़ दीजिए। आप सब एकजुट होकर पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड एक साथ आवाज़ उठाएंगे, तभी तो वो डिक्टेटरशिप छोड़ के हमें वापस डेमोक्रेसी मिलेगा। हम भी तो इंसान हैं, हमें भी अपने राइट्स चाहिए, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। मोदी जी प्लीज़ कैसे भी करके आप हमारे थोड़ा बहुत कैसे भी करके सपोर्ट कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है बर्मा में कैसे जुल्म हो रहा है, बहुत सालों से हैं म्यांमार में जुल्म हो रहा है, आज नया नहीं है। अभी बर्मा में डेमोक्रेसी को ख़त्म करके डिक्टेटरशिप कर लिया है, मिलिट्री ने कू करके पॉलिटिकल प्रेजेंस को सबको डिटेन कर दिया है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह पब्लिक वगैरह जो प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट, वहाँ पे प्रोटेस्टर को जान से मार रहा है, घर जला रहा है, रेप कर रहा है। तो ये जिस तरीके बर्मा में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रोहिंग्या के साथ हुआ था, इस तरीके इससे ज़्यादा है। और इंटरनेशनली कुछ जो देश है उसको कंडेम कर रहा है, तो कंडेम करने से किसी का जान नहीं बचेगा। मिलिट्री जो है टेररिज्म की तरह काम कर रहा है, ये टेररिस्ट बोल की कम्युनिटी पूरा बहुत कंट्री ने डेवलप भी किया है। तो हम चाहते हैं डेमोक्रेसी वापस आ जाए और हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है मिलिट्री का जो रिलेशनशिप है वो सारा ख़त्म कर दें और इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरीके काम कर रहे हैं वहाँ पर सबके साथ सपोर्ट करें, NUG गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, रिकॉग्नाइज करें हिंदुस्तान गवर्नमेंट। बर्मा में जो जुलूम खा रहे हैं जितने जो लोग हैं ये खाली रोएंगे नहीं है, इसनी कम्युनिटी म्यांमार में जितना सब लोग मार खा रहे हैं, तो एक फेडरल डेमोक्रेसी देखिए भाई साहब, हम लोग अलग अलग ईतिक है, रोहिंग्या है, रखाइन है, शेन है, अलग अलग ईतिक है, लेकिन वो केवल बर्मा देश का सभी लोग निवासी लोग हो ना, एक ही साथ हो, जितने भी नाम तो अलग है, मान लीजिए हम पंजाबी है, तमिल है, कर्नाटका है, लेकिन भारत का निवासी है ना, वैसे ही है हम लोग का अलग अलग ईतिक है, लेकिन बर्मा देश का निवासी लोग है।
जो बर्मा में दुखी होगा तो हम लोग देश वाले निवासी लोग भी दुखी होंगे, और देश का सुखी होगा तो हम लोग सुखी होंगे। अगर देश के लिए हम लोग लड़ना चाहता है, देश के लिए हम लोग कुछ फाइटिंग करना चाहता है, एक साथ है, एक साथ करना चाहिए, तभी तो होंगे हम लोग। देखिए, बर्मा का मिलिट्री ने ये डिवाइड करके, जो बर्मा में इतनी डाइवर्सिटी है, वही बर्मा का खूबसूरती है और यही बर्मा के स्ट्रेंथ है। बर्मा में लगभग 150 एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन मिलिट्री उनका जो पावर है उसको वो करने के लिए, जो हमारा एथनिक डाइवर्सिटी उसको डिवाइड करके हमारे हमें कमज़ोर करके रखा है। और रोहिंग्या के साथ जो हुआ है उसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन फैला के बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको खिलाफ करके रखा था। लेकिन कहते हैं जब शेर का मुँह में एक बार खून लग जाते हैं, वो खून चारों तरफ आ जाता है। और जो यू नो इंग्लिश में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वही एक्चुअली बर्मा में हो रहा है अभी। बीच में जो डेमोक्रेसी का थोड़ा नाटक हुआ, ये सिर्फ इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए हुआ है, क्योंकि मिलिट्री को बहुत प्रेशर पड़ रहा था। सेंक्शन लगा, जो US और यूरोप का कंट्रीज लोगों ने सेंक्शन लगा है, उससे दबाव से बचने के लिए बर्मा का मिलिट्री जो है वो बार बार झूठ बोलते आए हैं बर्मा में ये सब फैला। हम ये चाहते हैं कि बर्मा में दोबारा डेमोक्रेसी लाने में हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली इंडिया दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क है डेमोक्रेसी का, हमें इंडिया सपोर्ट करे, हमारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑपरेट करे, और मिलिट्री के साथ जो है रिलेशन विदेश नीति ना रखे और मिलिट्री के ऊपर दबाव डाले, क्योंकि ये मिलिट्री चाइना से सपोर्टेड है और चाइना हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर हमला करते आए हैं, और वो चाइना बर्मा का मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम इसलिए चाहते हैं हिंदुस्तान हमें मदद करे।